जातिवाद तो पूरी दुनिया में है, द कास्ट सिस्टम इज बेसिकली इनहेरेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, बट व्हेन इट बिकम प्रॉब्लम्स दैट इज रियल प्रॉब्लम। इसका मतलब कि जातियां तो वर्ग तो पूरी दुनिया में है, लेकिन ये समस्या बन जाए समाधान की बजाय ये एक दुविधा का। जैसे मैं हो सकता हूं हाथ से काम बहुत अच्छा कर सकूं, हथियार उठा सकूं, लेकिन मैं प्रवचन नहीं दे सकता। आप हैं बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, दूसरा हम सबकी सेवा, चाय पिलाना है, पानी पिलाना है, कपड़े देना है, खाना खिलाना है, ये सब काम कर सकते हैं, तो उसके वजह से वर्गीकरण हो गया। ये एक दूसरे का पूरक होता है कि सारे लोग सारे काम कर नहीं सकते हैं, या कर सकते हैं तो एक समय में नहीं कर सकते। जैसे संत लोग सारे काम कर सकते हैं, हथियार भी उठा लेंगे, झाड़ू भी लगा लेंगे, ज्ञान भी दे लेंगे, कान भी खींच लेंगे, लेकिन एक बार में तो एक ही करेंगे, तब बाकी लोग उनके पूरक होते हैं। लेकिन जब हमारे कर्मों से हमको एक इज्जत के साथ जोड़ा जाए तब ये सम्मान का विषय होता है। जैसे कुछ देशों में जो मिल चलाते हैं उनको मिलर बोलते हैं, मिलर से मूलर हुआ, जैसे मैक्स मूलर भवन इंडिया, वो मिलर थे, मिल चलाते थे, नाम मिलर हो गए। आप सोने का व्यवसाय करते हैं, आप सुनार हो गए, लोहे का करते हैं, लोहार हो गए, सफाई का काम करते हैं तो सफाई के कर्मचारी हो गए, चमड़े का काम करते हैं तो आप चमड़े वाले काम करने आ। इन शब्दों पर संविधान ने रोक लगा रखी है, ऐसा लगता है कि आप नाम लो तो आप कहेंगे जाति सूचक शब्द का, कि अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मुझे इंजीनियर के रूप में जाना जाए, डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर के रूप में माना जाए। लेकिन आज मैं सफाई का काम करता हूँ और उसको आप सबसे कम तनख्वाह देने लगे, तब वह निकृष्ट हो जाए। आप दिमाग की सफाई करने को सबसे ज्यादा तनख्वाह देते और टॉयलेट धुलाने को सबसे कम तनख्वाह देते, वो निकृष्ट हो जाए, उससे जो आदमी जुड़ेगा उसकी बदनाम। अब हालत ये है कि जिस सोसाइटी में ये जो सेवा करने वाले, ये सारे सेवा करने वाले हैं, ज्ञान देने वाले दूसरे हैं, तो जो भी सेवा करने वाला है, चाहे वह इंजीनियर है, डॉक्टर है, स्वीपर है, भंगार का साफ करने वाला है, चमड़ा साफ करने वाला है, सोने का काम करने वाला है, ये सब सेवा है। तो जहाँ सेवा का सम्मान नहीं है वहाँ कार्य कुशलता कैसे डेवलप। तो अगर कोई पिछड़ा है तो इसका मतलब जातियों का परस्पर सहयोग नहीं है, कुछ जातियों का सम्मान ज्यादा है और कुछ का अपमान हो गया, तो ये समस्या हो गई। ये दिख जाएगा कि लोग बड़े नहीं, जैसे जो बड़े हैं ट्रेन में चल रहे हैं, एसी में चल रहे हैं, हवाई जहाज में चल रहे हैं, उनको क्या पता बगल वाला स्वीपर है या पंडित है, स्कूल में पढ़ाता है, और पढ़ाता भी है तो क्या अंतर पड़ता है, वो बगल में हाथ मिलाते हैं, साथ साथ चलते हैं, तब तुमको लगेगा कि प्रगति है। तो जब प्रगति होती है तो चीजें एक दूसरे को सहयोग करती हैं, और जब प्रगति नहीं होती है तो एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाए, कौन किसके हावी हो जाए। कल के दिन अगर आप स्वीपर की और चमड़ा की व्यापार करने वालों की तनख्वाह या रेमुनरेशन मेहनताना बढ़ा दें और पूजा करने का कम कर दें तो सारे पुजारी हो सकता है इस दौड़ में दौड़ जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ कि स्वीपरों की वैकेंसी निकली तो उसमें सारे जातियों के लोगों ने अप्लाई किया, सोच यह थी कि सिर्फ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लोग अप्लाई करेंगे, तो जब मेहनताना ज्यादा है तो बहुत सारे लोग शिफ्ट होंगे। तब दो विपरीत चीजें अगर हम देखें कि अवनति है तो झगड़े हैं, या झगड़े हैं तो अवनति होगी, और उन्नति है तो सहयोग है, और अगर सहयोग होगा तो उन्नति हो जाएगी। तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण या दुनिया में किसी भी समाज के पिछड़ेपन का कारण कि विभिन्न तरह के काम करने वालों में परस्पर सहयोग नहीं। एक सोचता है कि लैट्रिन साफ करना गंदा काम है जबकि सब जाते हैं, तो जो ऐसा सोचता है तब तुम देखोगे कि जब बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनके माँ बाप साफ करेंगे, तो अगर लैट्रिन साफ करने का काम हीन माना जाएगा तो माँ बाप निकृष्ट काम कर रहे हैं। तो जहाँ बाथरूम साफ करने वाले काम को हीन माना गया उस समाज में माँ बाप की इज्जत नहीं, ये मानते चले। ये बड़ा अजीब सा लगेगा तुम्हें कि नहीं नहीं ब्राह्मण तो करते होंगे, बनिए तो करते होंगे, छत्री तो करते होंगे, या जो खुद वो काम करते हैं वो तो करते ही होंगे, लेकिन
पूरे के पूरे समाज में अगर टॉयलेट धोने का, लैट्रिन धोने का काम गलत समझा जाता है, उस समाज में माँ बाप की इज्जत नहीं होती। तो अगर माँ बाप की जिस समाज में इज्जत होती होगी, वहाँ टॉयलेट धोने का काम भी असम्मान्य नहीं माना जा सकता है, उसको भी उतना ही इज्जत मिलेगी। जब एक सारे कामों पर इज्जत मिल रही है तो चीजें सब अपने अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, सबसे अच्छा देने की कोशिश करेंगे, तब जाके चीजें अच्छी होंगी। तो आज जब एक दूसरे का नीचा दिखाने की प्रक्रिया जारी है तो चीजें खराब होंगी। तो अगर लोगों को ठीक होना है तो इन चीजों से विरोध की बजाय सहयोग की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। अब आप कहें कि समाज में जब मंत्री चलेगा, मुख्यमंत्री चलेगा, तब हम करेंगे, हम क्या कर सकते, हम तो नाक को सिकोड़ लेंगे और एक जो सफाई का काम कर रहा है उसके यहाँ चाय नहीं पिए, जब सरकार सब पीने लगेंगे तब हम नहीं पी लेंगे, इससे नहीं चलेगा। तो शुरुआत तो हमको अपनी ही करनी पड़ेगी और सरकार को अपने हिसाब से जो जहाँ है वहाँ से शुरू करें, और जो अपने को बड़ा समझता है, जिसका सम्मान समाज में है, वह करेगा तो आसान। अगर मैं भंगी हूँ और मैं सफाई करता हूँ तो मेरे करने से अंतर क्या पड़ेगा, लेकिन हाँ जिनका समाज में सम्मान है वो भी हमारे यहाँ चाय पिए, लेकिन ये अलग बात है कि चाय साफ होनी चाहिए, साफ कप में होनी चाहिए, वो सेक्टर जो शुद्धता है वो होनी चाहिए, हम भी साफ हाथ से उसको बना के दें। तो जैसे अपने पाक शास्त्र में है कि खाना में बाल नहीं होने चाहिए, सफाई में उतना हो तो कोई दिक्कत नहीं, तब चीजें आसान है। तब चाहे आप समस्या बोल रहे हैं वह समाधान की तरफ कदम बढ़ाएगी, नजरें बदलेंगे तो नजरिया बदल जाएगा, या नजरिया बदलेंगे तो नजारा बदल जाएगा। बहुत छोटी सी चीजें हैं जो आज हमको ये अवनति का कारण नजर आ रहे हैं, वही उन्नति का कारण होते हैं। और प्रकृति में ऐसा अक्सर होता है कि आज हम भाई बहन लड़ रहे हैं तो हम अवनति पे जा रहे हैं, और तब भी हम खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार बैठ गया है। तो जब हो सकता है कि साथ दें तो दुनिया में ना, ये हमको समस्या तब तक लगती है जातिगत जब तक हम थोड़े से जागरूक हुए देखें तो कि कौन क्या जरूरी है, और जिस दिन हम ये करेंगे सामूहिक रूप से तब ये विकास की दिशा में सहयोगात्मक कदम।